ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको सुनाते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है और साथ ही साथ कोरोना पर भी जानकारी दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में कहीं दिग्विजय सिंह जी दिखे? आपदा और विपत्ति की घड़ी में कभी नहीं देखे होंगे। तीसरी वेव आ गई कोरोना की, किसी अस्पताल में दिखे? कहीं अनाज बांटते दिखे गरीबों को? चिट्ठी तो वो कमलनाथ जी को भी लिखते थे, उमंग सिंगार को भी लिखते थे। ये मैं मानता हूं कि ये पॉलिटिकल पाखंड है, वो चाहे आराम से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी तो खुद ही खेत खेत पे जा रहे हैं, चाहते तो वो ओले भी देख लेते और कहीं भी मिल लेते। मैंने कहा ना कि ट्वीट की राजनीति करते हैं। आज तक आपने देखा इतनी भीषण ओला बीटी में नेता प्रतिपक्ष नहीं गया हो? ये पहला नेता प्रतिपक्ष ऐसे हैं जो सिर्फ ट्वीट से करते हैं, कभी जनता के बीच नहीं जाते। ओले में, पाले में, बाढ़ में, सूखा में कभी नहीं जाते। ये दुर्भाग्य है प्रदेश का, ये विपक्ष की स्थिति है कि एक भी व्यक्ति नहीं गया। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 6,970 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के आए, जबकि 2,106 लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों की ओर गए। संक्रमण दर हमारी 9.1 है, जबकि रिकवरी की दर 94.38 समस्त प्रदेश की है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर 34,973 एक्टिव केस हैं। कल हमारे सैंपल 77,322 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए है। पुलिस विभाग के 83 नए प्रकरण हमारे जवानों के कोरोना के आए हैं। अब कुल पुलिस विभाग के 538 एक्टिव केस वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं।